हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस बायोलॉजी। मैं हूं सौरभ। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पीजीटी बायोलॉजी 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ है और जो बुकलेट सीरीज नंबर है वो है सी। क्वेश्चन थोड़ा चेंज होंगे, आप लोग अपनी हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर की आने में थोड़ा लेट हो गया, बट सटीक आंसर की आई है विद प्रूफ के साथ में हम आपको ये आंसर की दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस के हमने आपको प्रूफ बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं और इस पीडीएफ के लास्ट में भी आपको मिल जाएंगे। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, आप वहां से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। रेस बायोलॉजी से है, डिस्क्रिप्शन जो है वो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेम सोर्स सेकेंडरी ग्रोथ एंड वैस्कुलर बंडल्स आर लेप्टोसेंट्रिक। लेप्टोसेंट्रिक इसमें तो ये ड्रेसिना में होते हैं और ड्रेसिना और यक्का इन दो में ये लेप्टोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल होते हैं। फिर पूछा जा रहा है कि ट्यूमर लाइक टिश्यू ऑफ थिन वॉल्ड विद डेवलपिंग ओवर डेवलपिंग ओवर द वंड्स इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैलस, ठीक है। ये टाइलोसिस अलग होता है, गाल्स अलग होते हैं, कैलोज तो अलग ही होता है, कैलोसिस इसको हम लोग बोलते हैं। तीसरे का है ये हाइड्रोस्फीयर में अगर पूछा जाए टॉक्सिक सब्सटेंस कौन सा है, तो ये है डिटर्जेंट। जो हम लोग कपड़े अपने धोते हैं इसको नाली के थ्रू हम लोग बहा देते हैं और ये तालाब में जाकर के वहाँ पे पॉल्यूशन का काम, टॉक्सिक का काम करता है, जिससे मछलियाँ वहाँ की मर भी जाती हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हेरिडेरिया में कितने सोमाइट्स होते हैं, तो 33 होते हैं। ये देखिए पूछा जा रहा है कि जूलॉजिकल टाइम स्केल में सबसे कौन सा ओल्डेस्ट है, तो साइलोटम जो है सबसे ओल्डेस्ट है। ये थी कि हमने आपको यहाँ पे पढ़ाया भी था जब हम आपको पढ़ा रहे थे, तो ये देखिए यहाँ पे हमने साइलोटम लिखा हुआ है और जितने भी ऑप्शन है वो सारे लास्ट के लाइकोपोडियम सिलेजेना इक्विसिटम, बट साइलोटम जो है वो सबसे पहले का है। अगर ऑप्शन में राइनिया होता या फिर कोई और ये सोनिया होता तो फिर वो आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे साइलोटम आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये पूछ रहा है एड्स के लिए कौन सा सही है, तो मुझे लगता है कि इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही रहेगा, फोर्थ ऑप्शन जो है वो गलत है, बाकी 1, 2, 3 सही है, इसमें शायद फर्स्ट ऑप्शन ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं ये जे जी सेल्स, इसका ये पूछा जा रहा है कि रिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्ट्रॉन सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो जे जी ए सेल्स। ये देखिए हमने आपको यहाँ पे भी पढ़ाया था, यहाँ पे ये देखिए जस्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस जे जी ए सेल्स होती हैं और ये यहाँ पे जस्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स होती हैं, ये मेसेंशियल सेल्स मैक्रोडेंसा और जस्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल मिल करके यहाँ पे पूरा ये एक एपरेटस बनता है, उस एपरेटस का नाम होता है जस्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस उसका नाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइब्रस बैंड प्रेजेंट इन इंडोथीसियम एंथर, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 का है कि 3 पेयर ऑफ अपेंडिक्स फाउंड इन द नॉप्टिस लार्वा, तो बोथ एंटीनी एंड मैंडिबल्स आर बाइरेमस, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर आप लोग पढ़ लीजिए, लंबा क्वेश्चन है, टाइम लग जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है पूछा जा रहा है कि नॉट करेक्टली मैच, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका है वो करेक्टली मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट जो था किस स्ट्रेन पे किया था, तो एस स्ट्रेन था जो ये जो थी ये वायलेंट थी, एस और आर था, जो ये जो वायलेंट थी वो एस थी और जो नॉन वायलेंट थी वो आर थी, ठीक है। करेक्टली पेयर्ड विच वन इज करेक्टली पेयर्ड, तो सीसम डरबर्जियम सिस्सो, ये इसका आंसर सही रहेगा। बॉम्बेक्स मोराई लास्ट फॉर 32 डेज लार्वल लाइफ जो होती है, इसका आंसर 32 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 15 का जो है वो पॉलीसोम जो होता है, सॉरी ये पूछा जा रहा है क्या नॉट ट्रू रिगार्डिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही आंसर होगा, क्योंकि जो लिखा हुआ है पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस प्रोसीड्स फ्रॉम सी टर्मिनल टू एन टर्मिनल, तो ये गलत है, तो वही गलत हमसे पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 16 में PCO, तो ये इसकी फुल फॉर्म है ये प्लास्टिड्स क्लोरो, पी से इसकी फुल फॉर्म कुछ थी मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी पराक्सीसोम क्लोरोप्लास्ट और ऑक्सीसोम मतलब माइटोकांड्रिया, तो ये C2 साइकिल जो है वो इसका आंसर सही हो जाएगा।
पूछा जा रहा है कि एक स्पीसीज इनहिबिट कर रही है द ग्रोथ ऑफ एनदर स्पीसीज को, बट उसके ऊपर कोई भी फीड नहीं कर रही, तो इसका बोलते हैं हम लोग एमेंसेलिस। हॉर्स शू शेप जो होता है ये एम्फीट्रोपस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का होता है ये मोनोसियस होता है, कौन सा विच साइकस होता है ये मोनोसियस होता है, मतलब मोनोसियस मतलब एक प्लांट होता है, तो एक इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी नॉट एक्सप्लेन द फीचर ऑफ साइकस, सॉरी इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये डी हो जाएगा, ये बी नहीं, क्योंकि ये माइकोराइजल एसोसिएशन इन रूट्स ये नहीं करता, ये पाइनस करता है, ठीक है, तो इसका आंसर जो है ये बी हो जाएगा, ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है आंसर नंबर है फर्स्ट, आप लोग इसको मैच कर सकते हैं, ठीक है। सारे इसके प्रूफ जो है वो सारे इस पीडीएफ के लास्ट में दिए गए हैं, वो भी हम आपको भी दिखा देंगे। जैसे ओबेलिया ऑफ कॉलोनी इज टाइप ऑफ, तो ये होता है सिम्पोडियल। अब देखिएगा इसको आपको एस के सर ने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और जो ओबेलिया की कॉलोनी होती है वो कैसी होती है, वो होती है सिम्पोडियल, ये देखिए लिखा हुआ है ओबेलिया की ग्रोथ जो होती है वो सिम्पोडियल होती है। अगर आपने हमारे नोट्स अच्छे से पढ़ भी लिए होंगे तब भी आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और रहेंगे जिसके भी, जैसे कि ये देखिए डायसन वाला है, ठीक है, अभी आपको इसमें पीडीएफ के लास्ट में देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको विद एक्सप्लेनेशन के साथ में दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सिम्पोरियल, ठीक है। ऑक्सोस्पोर जो होते हैं ये बैसिलेरियोफाइसी में पाए जाते हैं, और ये एग जो फ्रॉग का एग होता है ये तो फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो मीजोलिसिथल और टीलोलिसिथल, ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है पीडीएफ के लास्ट में दिया हुआ है। पॉलीसोम जो होता है राइबोसोम एंड एमआरएनए जब मिलते हैं तो उसको हम लोग पॉलीसोम कहते हैं, एमआरएनए लगा हुआ है और उस एमआरएनए में बहुत सारे राइबोसोम लगे हुए हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसोम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का है, जो क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप लोग, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही रहेगा। 26 का है रोसेला, ये ओरिसिन डाई जो होती है ये रोसेला से हमको मिलती है, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट पीरियड एमंग द फॉरेस्ट तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा कैम्ब्रियन, ठीक है, कैम्ब्रियन पीरियड जो है हो जाएगा सबसे ओल्डेस्ट पेयर इज करेक्ट हो, तो ये हो जाएगा आपका, ये पूछ रहा है कि पेयर कौन सा करेक्ट है। देखिए ये अगर आपको नहीं पता है तब भी आप देख सकते हैं, क्रूसी फ्री जो होती है वो टेट्रामेर होती है, सबको चार चार होता है। रेन क्रूसी जो होता है बाइकार्पल नहीं वो एपोकार्पल, तो एपोकार्पस का मतलब होता है कि सब लोग अपना कार्पल अलग अलग मिल करके ओवरी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है। कुकुरपिटेसी हमने आपको लगी मार कुकुर पर हमने आपको वो पढ़ाया था, याद करने का तरीका बताया था, तो उससे भी आप देख सकते हैं कि पेराइटल प्लेसेंटेशन होता है कुकुरपिटेसी में, तो बचा कौन सा है, बचा आपका सी वाला, वही सही हो जाएगा। क्वीन भी लाइफ में एक बार ही करती, इसका भी एक्सप्लेनेशन एस के सर ने दिया हुआ है लिंक में, वो भी पढ़ाया गया है आपको, ठीक है। चीफ फंक्शन ऑफ पेरिस ये भी क्वेश्चन रिपीट है, इसका आंसर हो जाएगा क्लिनसिंग। 31 का हो जाएगा लिंकेज, इसका आंसर जो है वो सही हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन टाइप जो है वो लिंकेज कहलाएगा। कैरोलस लिनियस ने सॉरी कैरोलस लिनियस ने फाइलम और फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 33 का इसको जो है ये रिजर्व फूड मटेरियल के आपसे हमको मिलाना है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। वेलामेंट ऑफ ऑर्चिड रूट इज डेराइव्ड फ्रॉम द, तो ये डर्मेटोजन ऑफ रूट से जो होती है ये डेराइव होती है। ऑर्चिड जो होते हैं प्लांट्स होते हैं ये जो इपीफाइट होते हैं, और ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट्स पर उगते हैं उनको इपीफाइट बोलते हैं, और ये इनकी जड़ें वहीं से नीचे लटकी हुई होती हैं और एटमोसफियर में जो आर्द्रता है उसको ग्रहण कर लेती हैं। 35 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज कंटेन ओनली कॉपर, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। 36 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा, मुझे लगता है इसका ऑल ऑफ द एबव आंसर होना चाहिए। 37 का हो जाएगा रेजिन, रेजिन की वजह से ही जो होता है पाइनस प्रोटेक्ट करता है इटसेल्फ फ्रॉम माइक्रोबियल एंड इंसेक्ट अटैक थ्रू, किसके रेजिन जो होता है जब पाइनस जो होता है वो निकालता है रेजिन, और इसकी थ्रो से ही जो होता है वो इंसेक्ट रेसिस्टेंट वो वुड उसकी हो पाती है। 38 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा गैंगेटिक जमुना प्लेन, ये एल्यूवियल सॉइल जो होती है वहीं पर पाई जाती है, और ये अगर डोनर रेसिपिएंट अगर हो रहा है तो ये सेक्स फैक्टर के लिए तो हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन बोलते हैं,
ठीक है। ये पेलीमोन पेलीमोन द हैशटेड हैशेड प्लेट इज फाउंड इन, तो ये वेंट्रल साइड में ये पाई जाती है। ये इंटर वर्टिकुलर सेप्टम एब्सेंट होता है, तो ये यूरोमास्टिक्स में है। लोमासोम जो होता है ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ये मेम्ब्रेनस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही ये पाया जाता है। ये T2 फेज जो होती है इसमें DNA होता है, और सेंट्रीपिटल जाइलम जो होता है ये डाइकॉट रूट में पाया जाता है, ठीक है। और ये चैपेरल अकर्स इन जी किसने मेडिटेरियन एरिया, मेडिटेरियन एरिया में, बिल्कुल सही आंसर इसका यही है, मेडिटेरियन एरिया। एम्फियोक्सस में होलोब्लास्टिक और इक्वल इसका क्लीवेज होता है। टर्म सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन का कभी कभी ये मतलब मत समझे कि एक सेल है और एक ही वही उसको प्रोटीन निकाल लेते, तो सिंगल सेल प्रोटीन से हम लोग बोल देंगे। बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज हुए हैं, बहुत लोग इसको जो है वो क्लोरेला से समझे कि यहाँ क्लोरेला जो होती है वो इसको स्पेस एल्गी बोलते हैं, वो एक सेल का बना होता है, उससे प्रोटीन निकलती है, उसको हम सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। बट इसका ऑप्शन जो सही है वो है सी, सिंगल सेल प्रोटीन का कॉन्सेप्ट यही है, प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम द लार्ज स्केल ग्रोथ ऑफ एल्गी फंजाई एंड बैक्टीरिया। एक बहुत बड़े अमाउंट पर अगर हमको प्रोटीन मिल रही है उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। जो हमने अभी आपको बायोटेक्नोलॉजी के नोट्स दिए थे उसमें सिंगल सेल प्रोटीन लिखा हुआ है, और बिल्कुल यही लिखा हुआ है। 48 का हो जाएगा आपका हिल्सा आंसर हो जाएगा, ये एनाड्रोमस में आती है। एसके सर ने इसका भी आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। 49 का हो जाएगा स्यूमेशन, ठीक है। 50 का हो जाएगा स्फैग्नम, स्फैग्नम में रिटार्ड सेल, जो रिटार्ड शेप सेल्स जो होती हैं वो स्फैग्नम में पाई जाती हैं। इंडोस्पोर में ये डिपिकोलिनिक एसिड जो होता है ये नहीं पाया जाता है, बैक्टीरिया नॉट, देखिए इंडोस ये फाउंड इन इंडोस्पर्म ऑफ बैक्टीरिया नॉट इन वेजिटेटिव, इंडोस्पर्म में तो होता है लेकिन वेजिटेटिव सेल जो होती है इनमें नहीं होता है। तो डाइपाइकोलिनिक एसिड, ये डिपिकोलिनिक एसिड जो बोलते हैं इसको, ये आंसर इसका बी वाला सही रहेगा। 52 का देखिए इसके कुछ कन्फ्यूजन है, इसमें चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है ऑप्शन नंबर ए हो सकता है इसके, ये एंथर और गाइनोसियम देख करके लगता है कि इसका आंसर ये हो सकता है, बट इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, देखते हैं क्या आयोग मानता है। इसका पूछा नॉट बैक्टीरिया में, तो ये सीड फाइबर से मिलता है, ये फूड फाइबर लिखा हो तो ये ऑप्शन गलत है। मैमल्स का जो होता है ये माइक्रोबियल एग होते हैं, एसके सर ने इसका भी आपको एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स मॉलिक्यूल इज लार्जेस्ट, इसका आंसर जो है सी ऑप्शन हो जाएगा मेरे हिसाब से, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हाँ सी रह जाएगा, एम वाला, ठीक है। नॉन पॉइजनस कौन सा है अपने इंडिया में, तो बोवा कंस्ट्रिक्टर, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एंटी ट्रांसपेरेंट जो है PMA, फेनाइल मर्क्यूरिक एसिडेट। ये सिनग्रिन जो होता है ये ब्रेसिकेसी फैमिली से मिलता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म, ये आधा अच्छा क्वेश्चन है, सिनग्रिन ब्रेसिकेसी से मिलता है। फीडिंग इन स्पोरोजोवा बाय माइक्रो, इसको ये भी आपको इसके सर ने पढ़ाया हुआ है। द फिनोमेना ऑफ ब्रेडिटिली इज एग्जिबिटेड विद द फॉलोइंग एनिमल्स, तो ऑल ऑफ द अबव। टेंडरल सोज, तो ये हेप्टोट्रोपिस, ये ध्यान रखेंगे हेप्टोट्रोपिस, ठीक है। ड्राई प्लेनेस की जो होते हैं निकलते हैं सूरज, ये मिक्स टाइप के पाए जाते हैं। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ बायोलॉजी होता है DNA RNA एंड प्रोटीन, ये हो जाएगा। सीड हैविंग लॉन्गेस्ट वेबिलिटी, तो ये ल्यूपिनिक होता है, ल्यूपिनस में। प्रोकैरियोट से लैग, ऑल ऑफ द अबव, सब कुछ इसमें ये एब्सेंट होता है। और ये जो वाइल्ड लाइफ एग बनाई, ये टू शेड्यूल के लिए बनाया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। 67 का हो जाएगा आपका जो डीजेनरेट कोडान जो होता है, ये मोर देन वन कोडान हैज बीन सेम मीनिंग, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। 68 का हो जाएगा पाइला में भैया, जो राजेश होते हैं वो सिर्फ स्मूथ वाल होते हैं, ट्यूबर कुरेटिन नहीं पाए जाते हैं। 69 का जो होता है प्रोटीन केराटिन जो होती है फिशेज में नहीं पाई जाती है। इसको देखिए वीड्स ऑफ द फिश पॉन्ड हैविंग फ्राई इज रिमूव बाय, तो ये पॉन्ड से अगर कोई वीड्स है तो उसको रिमूव करने का मुझे लगता है कि मैकेनिकल अपरूटिंग करनी होगी शायद, जहाँ तक ये मुझे लगता है, लेकिन इसका आंसर जो है कन्फ्यूजन में है अभी, कुछ क्या आयोग मानता है ये देखना पड़ेगा। 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइकेडो फाइटा। लीफलेस सिस्टम ऑफ ऑनियन प्रोड्यूस लार्ज फ्लावर इज कॉल्ड, तो हो जाएगा आपका स्केप्स, इसको बोलते हैं स्केप, ये भी हमने आपको जो पढ़ाया जब लिलीसी फैमिली पढ़ाई थी तो हमने आपको ये हमने बताया था।
थर्टी 70 थी क्या, कुछ आंसर कन्फ्यूजन में है इसका, देखना पड़ेगा। 74 का जो होता है कोरियोनिक प्लेसेंटा होता है, ये भी एस के सर ने पढ़ाया था आपको, बिल्कुल क्लास में ही आपको ये पढ़ाया गया था। और ये सर देखिए एक ही जीनस इनके हैं, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर ये जिसको बोलते हैं ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बॉट्राइटिस, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा और ब्रेसिका रेपा टर्निप होती है। तो जीनस सबका एक ही स्पीसीज अलग है, जीनस जो है वो एक ही है, ठीक है। तो ये इसका देखिए स्ट्रेच फॉर मटेरियल होता है ये रोडोफाइसी, 76 का रोडोफाइसी, 77 का हो जाएगा एलेंटोइस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एलेंटोइस 77 का, ये इसमें नाइट्रोजन वेस्ट जो था इसी में भरा होता है। 78 का हो जाएगा डिप्लॉयड, 78 जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिप्लॉयड। पैरामेसिन जो होता है इसका, पैरामेसिन का जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, वो डिप्लॉयड होता है। 79 का जो होता है, 79 का ये क्रिटेशियस कैसा हो जाएगा आपका, क्रिटेशियस हो जाएगा। पूछ रहे हैं कि द ओरिजिन ऑफ द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म वाज ड्यूरिंग विच जियोलॉजिकल पीरियड, तो ये इसका हो जाएगा जुरासिक, सॉरी क्रिटेशियस हो जाएगा, कैसा हो जाएगा क्रिटेशियस। देखिए मीजोजोइक एरा में तीन थे पीरियड, तो ये तेरे जिया से ट्रायसिक जुरासिक और क्रिटेशियस। जुरासिक में तो डायनासोर बहुत ज़्यादा डेवलप थे, जिम्नोस्पर्म वहाँ पे डोमिनेंट थे, लेकिन क्रिटेशियस में आते आते डायनासोर हट गए थे और जैसे हट गए तो एंजियोस्पर्म यहीं पे आ गए थे। ये मैंने आपको जुलॉजिकल टाइम स्केल में पढ़ाया हुआ है। रेंडर मास तो इसका हो जाएगा क्लेडोनिया हो जाता है। 81 का हो जाएगा आपका मोनोसोडियम ग्लूटामेट हैविंग इनहेंस द फ्लेवर ऑफ फूड, तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट। 82 का हो जाएगा गामा डाइवर्सिटी, 82 जो रहता है वो रहता है आपका गामा डाइवर्सिटी। 83 का हो जाएगा ये इंटरवेनल क्लोरोसिस, अगर ये कॉपर डिफिशेंसी हो जाएगी तो इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाती है। 84 का हो जाएगा लीजमानिया, ये बहुत जी देखिए नोट्स में साफ साफ आपको दिखाया गया था, यहाँ पे नोट्स में ही आपको दिखाया गया था कि ये देखिए लीजमानिया में कोई भी यहाँ पे आपका जो है वो फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। 87 का जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी होता है ऑरिंथोरिंकस मेल। 88 जो है इसका आंसर आपको मिलेगा, बहुत बढ़िया आंसर देखिए पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं होता है। तो भैया रेनिन जो होता है ये यहाँ से नहीं, स्टमक से जो निकलता है ना वो निकलता है RENN वाला रेन, वो एंजाइम है, ये हरा हार्मोन है, तो ये स्टमक से नहीं निकलता, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 88 कर लीजिए, ठीक है। 89 जो है वो कन्फ्यूजन में है, क्लियर करना पड़ेगा, देख कौन सा होता है। 90 का जो होता है वो है टीनिया। 91 का जो होता है वो रिमेन अनअफेक्टेड, ठीक है। एक्शन इनहिबिट ड्रग इज इंजेक्टेड, ठीक, कौन सी, एक्टिन, इफ एन एक्टिन इनहिबिटिंग ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू एन अमीबा इट्स मूवमेंट विल तो रिमेन अनअफेक्ट। लोटिक रेंटिक ये मुझे लगता है टेरेस्ट, ये सॉरी फ्रेश वाटर हैबिटेट का शायद जहाँ तक ये कॉन्सेप्ट है। 93 का जो होता है ये इथाइलिन, ये क्या होगा, इसका भी टिक नहीं लगा हुआ है इसका, आई थिंक शायद कन राइपनिंग ऑफ फूड होना चाहिए। 84 फॉसिल टाइप कौन सा नहीं है, तो कोल बॉल जो है फॉसिल टाइप का नहीं है। 85 जो होता है इसका आंसर हो जाएगा आपका गिल्स मोनोजेनिक। फिनेटिकल टाइप से ये हो जाएगा आपका आर्ची गोनियम, ठीक है। हार्डमानिया द रेगुलर इंटरवल द हार्ट बीट इज रिवर्स, तो हार्डमानिया में ऐसा होता है। 98 का जाएगा कलेक्शन ऑफ फ्रूट फायर वॉल एंड मेडिसिनल प्लांट का यूज हम वहाँ पे जहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वहाँ पे हम ये कर सकते हैं। 99 का ये कन्फ्यूजन है, देखना पड़ेगा कौन सा आंसर इसका होता है। 100 इन प्रोफेज ऑफ मियोसिस कैजमेटा आर ड्यू टू, तो इसका आंसर मुझे तक क्रॉसिंग ओवर होना चाहिए। 101 का जो होता है वो हो जाएगा आपका डाइचोगैमी जो होता है ये बीच में आते हैं बैरियर, ठीक है।
हेलोफिटिक फर्न जो होते हैं ये एक्रोस्टिकम और ऑरियम है, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। 103 का हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव जो होता है ये, देखिए ब्यूटामोनस फर्मा और ये जेजेफस तो है ही 100%, और कहीं कहीं कैजन कजान भी लिखा हुआ है, तो इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। 104 का हो जाएगा आपका, ये भी क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड ही है, ठीक है, तो इसका ऑर्गन ऑफ स्विजेंडिस हो जाएगा। 105 का जो होता है ये जो काटता है ना, तो ये 10 PM से 4 AM के बीच में काटता है। फेज विच शोज लाइसोजेनिक साइकिल जो होता है ये टेम्परेट होती है, लाइसोजेनिक जो होती है वो टेम्परेट होती है, ठीक है। 107 का हो जाएगा लाइन ऑफ ग्रोथ फाउंड इन द सेल ऑफ पाइला, तो ये हो जाएगा वेरिस। 108 का आई थिंक बी वाला होना चाहिए, बट कन्फ्यूजन इसको देखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिए। 109 जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ऑन द स्टिग्मा, ये हो जाएगा आपका इन विट्रो जर्मिनेशन। इपीगाइनस फ्लावर आर फाउंड इन, तो ये कुकुरबिटा फ्रूटेसी फैमिली जो होती है वो इपीगाइनस फ्लावर्स में पाया जाता है। 111 जो होता है इसका आंसर देखना पड़ेगा, कन्फ्यूजन में है। 112 का जो होता है स्टिमुलेट द एक्सोक्राइन पैनक्रियास, तो ये सेक्रेटिन होता है, ठीक है, ये एसके सर ने आपको पूरा ये पढ़ाया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड बॉर्न टॉक्सिक, तो बार्टुलिन है ये, ठीक, क्लास्ट्रिडियम बार्टुलिन से होता है, तो ये बार्टुलिनम टॉक्सिन। 104 ये काइलोराइज जो होता है ये एस्पैरागस में होती है, ठीक है। 115 का ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इसका सही है, डी। 116 का जो होता है पक्सी एस फाउंड, तो ये पिकनीडियो स्पोर जो होता है ये बारबेरी अल्टरनेट हो जो उससे बारबेरी है, बारबेरी की लीफ बनती है पिकनीडियो, पिकनीडिया का तो उसमें पिकनीडियो स्पोर बनता है, ठीक है। 117 का देखना पड़ेगा। 118 का जो होता है वो हो जाएगा आपका रेनकुलेसी। 119 क्रेब्स हैंसर साइकिल, ये भी इसका आंसर को देखना पड़ेगा, क्लियर नहीं है, इधर कुछ आंसर लगे नहीं है। 121 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रिप्सिनोजन, 121 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ट्रिप्सिनोजन। 122 जो होता है ये प्लेटी हेलमेंथी जी भी है, ये अनसेगमेंट नहीं सेगमेंटेड होते हैं। 123 का आंसर आपका हो जाएगा, जो पूछ रहा है कि फंगस से कौन सी होती है, तो फंगस से आई थिंक एक मुझे याद था शायद क्रैप्स एप्पल, ये देखना पड़ेगा, ठीक है, इसको मैं लगाना भूल गया हूँ, इसको देखना पड़ेगा कौन सा था इसका। 124 का हो जाएगा आपका किलोनिया, ठीक है, किलोनिया। 125 का हो जाएगा पूछ रहा है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो इसके यही सही है, फिनोटाइप और जीनोटाइप जो होता है वो रेशियो सेम रहता है, फिनोटाइप जीनोटाइप सेम रहता है, ठीक है। तो 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ये सारे देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे ये देखिए सब आपको ऑप्शन मिल जाएंगे सब PGT 2021 के ये सब, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके भी आंसर कंप्लीट कैसे हो जाए। ये देख कॉलोनी की सिम पोर्टल होती है इसकी कॉलोनी, ठीक है, क्लीवर, ये देखिए पूछा कि क्लीवर, तो ये म्यूसोलिस्टल और टीरोसेलिस का होता है, फ्रॉग और टोड का फिशेस का भी सही होता है, ठीक है। तो ये सारे इसमें एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। PDF जो ये है ये हमारे टेलीग्राम चैनल जो है रेस बायोलॉजी उस पर आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू। और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ।